हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपने जो क्लास सेकंड में पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यस, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड मशीन। एक कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाई गई मशीन है। अ कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एक कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट की सहायता से रन होता है। अ कंप्यूटर इज़ अ वर्सेटाइल मशीन विच कैन बी यूज फॉर डूइंग मैनी थिंग्स। एक कंप्यूटर बहुत सारे काम करने वाली मशीन होती है। वर्सेटाइल का मतलब है बहुत सारे काम करने वाली एक ही मशीन। विच कैन बी यूज फॉर डूइंग मैनी थिंग्स, जिसको हम बहुत सारे काम करने के लिए काम में ले सकते हैं। बहुत सारी थिंग्स को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। एक कंप्यूटर बहुत ही जल्दी काम करता है, बहुत ही अच्छी स्पीड से वर्क करता है। अ कंप्यूटर मेक्स अवर वर्क ईजियर। एक कंप्यूटर हमारे काम को बहुत ईजी बनाता है। एक कंप्यूटर अ कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट हैज़ लार्ज मेमोरी। एक कंप्यूटर के अंदर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ माने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इट हैज़ लार्ज मेमोरी, इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और डिलीजेंस। एक कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। डिलीजेंस का मतलब है मेहनती। एक कंप्यूटर बहुत ही मेहनती होता है। जनरली अ कंप्यूटर नेवर मेक्स एनी मिस्टेक्स और एक्यूरेसी। सामान्यतः एक कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। यह हमेशा हमें एक्यूरेट माने सही रिजल्ट देता है, अनलेस कि हम उसके अंदर गलत इनपुट ना दें। नेक्स्ट, यू कैन डू मैनी थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर, अ फ्यू ऑफ देम आर। वैसे तो हम कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप लोगों ने किया भी होगा, टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया है। ये कंप्यूटर के अंदर, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये किसके अंदर टाइप किया गया है? कंप्यूटर के अंदर टाइप किया गया है। तो टाइपिंग डॉक्यूमेंट, डूइंग सम्स। सम माने हमें अगर कुछ चीज़ का एडिशन करना है तो वो भी कर सकता है। ड्राइंग एंड कलरिंग पिक्चर, आप पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं। लिसनिंग टू म्यूज़िक, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। स्टोरिंग द वर्क, आपने जो भी काम किया है अगर उसको आपको आप थक गए हैं और आपको सोचना है कि थोड़ी देर बाद हम इस पे वर्क करेंगे, तो आप उसको सेव कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद आप वापस से वहीं से स्टार्ट भी कर सकते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स और लेटर्स, हम कंप्यूटर की सहायता से ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। वॉचिंग कार्टून्स एंड मूवीज़, आप कंप्यूटर के अंदर कार्टून्स और मूवी भी देख सकते हैं। एंड लास्ट वन, प्लेइंग गेम्स, आप उसके अंदर गेम्स भी खेल सकते हैं। अ मशीन ऑलवेज नीड्स गुड केयर सो दैट इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग। एक मशीन को हमेशा अच्छी केयर की आवश्यकता होती है, देख रेख की आवश्यकता होती है, जिससे कि ये काफ़ी दिनों तक काम कर सके। लेट अस लर्न अबाउट डूज, दैट इज द थिंग्स यू शुड डू, एंड द डोंट्स, दैट इज द थिंग्स यू शुड नॉट डू वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर। अब हम जो चीज़ें कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमें कंप्यूटर के साथ नहीं करनी चाहिए उन चीज़ों के बारे भी हम पढ़ेंगे। गाइडलाइन फॉर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, अगर जब हम कंप्यूटर को काम में लेते हैं तो हमें क्या क्या, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेक श्योर योर हैंड्स आर ड्राई एंड क्लीन बिफोर यू टच द कंप्यूटर। कंप्यूटर को टच करने से पहले, बिफोर माने पहले, हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि हमारे हाथ सूखे हों और क्लीन हो, साफ हो। कीप ईटेबल एंड वाटर बॉटल्स अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर से जो खाने के सामान हैं और जो वाटर बॉटल्स हैं, उनको हमेशा क्या रखना चाहिए? दूर रखना चाहिए। कीप अवे माने दूर। डू नॉट प्रेस द कीज़ ऑफ द कीबोर्ड हार्ड वाइल टाइपिंग। कीबोर्ड की कीज़ को जब आप प्रेस करते हैं तो बहुत तेज़ नहीं दबाना चाहिए, हार्डली नहीं प्रेस करना चाहिए, आराम से हमें उसे यूज़ में लेना चाहिए।
डू नॉट यूज अ पेंसिल पेन एट्सेट्रा टू पॉइंट एट एन आइटम डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। अभी जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में, लेट सपोज ये वीडियो ही देख रहे हैं, तो हमें उस मॉनिटर को या हमारा फ़ोन जो है उसको हमें पेंसिल या पेन से टच नहीं करना चाहिए, स्क्रीन को टच नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं टिप्स टू लुक आफ्टर योर कंप्यूटर, कि अब हम कंप्यूटर की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स हैं। फर्स्ट, क्लीन योर कंप्यूटर विद अ ड्राई एंड सॉफ्ट क्लॉथ। हमें हमारे कंप्यूटर को एक ड्राई और सॉफ्ट क्लॉथ से ही साफ करना चाहिए। ड्राई माने सूखा और सॉफ्ट माने मुलायम। कवर योर कंप्यूटर व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। हम अगर कंप्यूटर हमारे काम में नहीं आ रहा है, व्हेन इट इज़ नॉट यूज, जब वो काम में नहीं आ रहा है तो हमें कंप्यूटर को कवर कर देना चाहिए। डू नॉट प्ले इन द कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर रूम में कभी भी खेलना नहीं चाहिए। रिमूव योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर रूम में एंटर होने से पहले, मतलब दाखिल होने से पहले, बिफोर माने पहले, रिमूव योर शूज, हमें हमारे जूते उतार देने चाहिए। डू नॉट थ्रो एनीथिंग इन द कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में हमें कुछ भी एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। नाउ सेफ्टी रूल्स फॉर यूजिंग अ कंप्यूटर, कि अगर हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें हमारी सुरक्षा के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट, डू नॉट ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द कंप्यूटर। कभी भी एक चुंबक को, मैग्नेट माने चुंबक को, ब्रिंग माने लाना, कभी भी एक मैग्नेट को कंप्यूटर के पास नहीं लाना चाहिए। नियर माने पास में। नेवर टच द इनर पार्ट ऑफ द सीपीयू बॉक्स। कभी भी जो आपका सीपीयू बॉक्स होता है, नीचे रखा हुआ रहता है या ऊपर रखा रहता है टेबल पे आपके, तो उस बॉक्स के जो अंदर के पार्ट्स हैं उन्हें कभी भी हमें टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट शेक और पुश द कंप्यूटर टेबल। अगर आप कंप्यूटर लैब में हैं और आप बैठे हुए हैं या घर पे भी हैं, तो कंप्यूटर की टेबल को कभी भी हमें पुश यानी धक्का नहीं देना चाहिए, या शेक यानी इधर उधर हिलाना नहीं चाहिए। डू नॉट पुल द वायर्स अटैच टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ जो वायर अटैच्ड हैं उनको भी हमें नहीं खींचना चाहिए। पुश माने धक्का देना और पुल माने खींचना। नेवर टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स अदरवाइज यू मे गेट अ शॉक। कभी भी हमें जो भी लाइट से आपका कनेक्टेड वायर होता है उसे कभी भी टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपके शॉक लग सकता है, आपको करंट लग सकता है। नाउ नेक्स्ट इज शेयरिंग अ गुड हैबिट। अब क्या क्या हैबिट्स हैं जिन्हें हमें शेयर करना चाहिए। फर्स्ट हैबिट है शेयर द कंप्यूटर विद योर क्लासमेट्स इन द कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ कंप्यूटर को शेयर करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है वर्क टुगेदर टू फिनिश द टास्क गिवन बाय द टीचर ऑन टाइम। हमेशा वर्क टुगेदर यानी साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि हम टीचर ने जो टाइम जो टास्क दिया है वो टाइम पर कंप्लीट कर सकें। वेट फॉर योर टर्न वाइल शेयरिंग द कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर को शेयर कर रहे हैं अपने क्लासमेट के साथ, तो हमेशा अपने टर्न का वेट करना चाहिए। जब वो वर्क कर रहा हो तब हमें बीच में उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऑलवेज मेक अ क्यू वाइल एंटरिंग द कंप्यूटर लैब। जब भी हम कंप्यूटर लैब में एंटर हों तब हमें हमेशा एक लाइन बनानी चाहिए, क्यू बनानी चाहिए। रेस्पेक्ट अदर्स इन द क्लासरूम एंड फॉलो द टीचर इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। हमेशा क्लासरूम के अंदर रेस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की, और टीचर जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें प्रॉपरली अच्छे ढंग से फॉलो करना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स वाइल दे आर यूजिंग अ कंप्यूटर। जब कोई दूसरा कंप्यूटर को काम में ले रहा है तब हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक इन द कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर रूम में हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ में म्यूजिक नहीं प्ले करना चाहिए। डू नॉट डिलीट ओपन और कॉपी एनी फाइल और फोल्डर फ्रॉम द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स। बिना टीचर और पेरेंट्स की परमिशन के हमें कोई भी फाइल डिलीट नहीं करनी चाहिए, ओपन नहीं करनी चाहिए, या फिर उस फाइल की कॉपी नहीं बनानी चाहिए, फाइल की या फोल्डर।
फोल्डर की। अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।